हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चे को अपने चैनल सर्कल जेट में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एनुअल मोड के बच्चे हैं उन बच्चों का जो एडमिशंस की जो प्रोसेस है कब से स्टार्ट होगा और उन बच्चों के एग्जाम्स कब होंगे। तो एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, एनुअल मोड के बच्चों का अभी भी रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। जो भी आया है बीए प्रोमिंग के जो बच्चे हैं उनके आए हैं और बीए ऑनर्स के बच्चे के लिए आए हैं, चाहे वो पोल साइंस के ऑनर्स हो चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स हो। अब एक चीज एनुअल मोड में ये देखते हैं कि जब भी एग्जाम्स होते हैं उससे 15 से 20 दिन पहले आपके एडमिशंस कराया जाता है, चाहे वो एनुअल मोड हो या फिर वो सेमेस्टर मोड हो। अभी कोविड की वजह से ऐसे सिचुएशंस आ गए हैं जो कि 15 या 20 दिन पहले वो लोग एडमिशंस कराते हैं और 15 दिन 20 दिन बाद वो लोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो एग्जाम जो है दोस्तों वो अप्रैल और मार्च और अप्रैल मई, ये तीन जो मंथ है, इन तीन मंथ के अंदर अंदर आपके एग्जाम्स होंगे और इन तीन मंथ के अंदर ही आपके एडमिशंस होंगे। तो जो भी बच्चे एनुअल मोड में हैं, जो 2018 से एडमिशंस लिए हैं, तो वो बच्चे अगर किसी भी कारण से वजह से एक साल रिपीट कर रहे हैं या फिर फेल हो गए हैं या किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो अपने बैक को क्लियर कर सकते हैं। मार्च अप्रैल मई ये तीन मंथ के अंदर आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। जब भी इसकी फॉर्म निकलेगी मैं आपको बता दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर लेना, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है यार तो कर लो, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट जो अपडेट होती है वो वहीं पे आते हैं और आपको कहीं से भी आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं। हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कि जो एनुअल मोड के बच्चे हैं, अगर आपके नोन में कोई है और वो परेशान हो रहा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।